मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आपके हिंदी का पार्ट थर्ड यानी पार्ट तीन पढ़ाने जा रही हूँ। उस पार्ट का क्या नाम, हमारे इस पार्ट का नाम तुलसीदास है। और इस पार्ट का हमारे क्या उद्देश्य है, भक्ति काल के कवियों के बारे में बताना है और स्त्रियों का सम्मान करने की प्रेरणा देना है, समाज सुधार के कार्यों की सीख देना है। इस पाठ में कुछ हम जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के बैठते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं, वैसे बहुत सारे मित्र इकट्ठा बैठ के तुलसीदास जी के ग्रंथ के बारे में, रामायण के बारे में क्या कर रहे हैं, वो डिस्कशन यानी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या वो लोग बात कर रहे हैं। रामायण को आप सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं परंतु समझ में नहीं आता क्यों। देखिए तुलसीदास जी ने स्त्री जात की कितनी निंदा की है यानी कितनी बुराई की है, बाल वध का कैसा समर्थन किया है, विभीषण देशद्रोह की किस प्रकार प्रशंसा की है, सीता जी पर घोर अन्याय करने वाले राम को अवतार बताया है। ऐसे ग्रंथ में आप कौन सा सौंदर्य पाते हैं। तुलसीदास के काव्य चतुर्थ के लिए तो शायद आप रामायण को सर्वोत्तम यानी सबसे ऊंचा ग्रंथ नहीं समझते होंगे। यदि ऐसा ही है तो कहना पड़ेगा कि आपको काव्य परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। उपयुक्त सभी सवाल एक ही मित्र के नहीं हैं परंतु भिन्न भिन्न मित्रों ने भिन्न भिन्न समय पर जो कुछ कहा और लिखा है उसका यह सार है। यदि ऐसा एक एक टीका को लेकर, टीका मीन्स आलोचना को लेकर देखें तो सारी रामायण दोषमय सिद्ध की जा सकती है। संतोष यही है कि इस तरह प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता है। एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के लिए अपनी एक चित्र जो थी तो वो कहाँ लगाई थी, प्रदर्शनी यानी मेला में रखा और उसके नीचे इस तरह लिखा कि इस चित्र में जिसको जिस जगह कोई दोष दिख रहा हो या कोई गलती दिख रही हो तो वह उस जगह कलम से चिन्ह यानी निशान लगा दें। परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग प्रत्यंग दोषपूर्ण बताए गए, मगर वस्तु स्थिति यह थी कि चित्र अत्यंत कलायुक्त था। टीकाकारों ने वेद कुरान बाइबिल में बहुतेरे दोष बताए हैं, बहुतेरे मीन्स बहुत दोष बताए हैं, परंतु उन ग्रंथों के भक्त उनमें दोषों का अनुभव नहीं करते हैं। प्रत्येक ग्रंथ की परीक्षा पूरे ग्रंथ के रहस्य यानी राज को देखकर ही की जानी चाहिए। बाह्य परीक्षा यानी जो उसकी बाहरी परीक्षा है, अधिकांश पाठकों के ग्रंथ विशेष का क्या असर हुआ है यह देखकर ही ग्रंथ की आंतरिक यानी उसके अंदर की परीक्षा की जाती है। किसी भी साधन से क्यों न देखा जाए, रामायण की श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है। ग्रंथ को सर्वोत्तम कह देने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसमें एक भी दोष नहीं है, परंतु रामचरितमानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उसमें लाखों लोगों को शांति मिली है। जो लोग ईश्वर से विमुख मीन्स क्या होता है आपका, विहीन थे, वे ईश्वर के सम्मुख में सामने हैं और आज भी जा रहे हैं। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। जो हम लोग रामचरितमानस सुनते हैं तो उसके जितने भी पृष्ठ हैं मतलब जितने भी पन्ने हैं वो सब हमारे भक्ति से भरपूर हैं। मानस अनुभवजन का ज्ञान भंडार है। तो अनुभवजन यानी अनुभव से प्राप्त होता है हमें, क्या होता है रामचरितमानस से बहुत सारे अनुभव और ज्ञान प्राप्त होते हैं। यह बात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेते हैं। इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानस में से अकेले पाप का पाठ ही सीखते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुलसीदास जी सुधारक नहीं बल्कि भक्ति शिरोमणि थे। भक्ति शिरोमणि मीन्स सबसे बड़े भक्त थे। इससे हम तुलसीदास जी के दोषों का नहीं परंतु उनके युग के दोषों का दर्शन अवश्य करते हैं। ऐसे दशा में सुधारक क्या करें, क्या उनको तुलसीदास जी से कुछ सहायता नहीं मिल सकती, अवश्य मिल सकती है। रामचरितमानस में स्त्री जाति की काफ़ी निंदा मिलती है परंतु उसी ग्रंथ द्वारा सीता जी के पुनीत मीन्स क्या होता है आपका,
पवित्र चरित्र का भी हमें परिचय मिलता है, यानी उसके पवित्र चरित्र का हमें जान पहचान होती है। बिना सीता के राम कैसे, और राम का यश सीता जी पर निर्भर करता है, सीता जी का राम जी पर नहीं। कौशल्या, सुमित्रा आदि भी मानस के पूजनी पात्र हैं, यानी पूजा करने योग्य पात्र हैं। सबरी और अहिल्या की भक्ति आज भी सराहनीय है। रावण राक्षस था मगर मंदोदरी सती थी। ऐसे अनेक दृष्टांत यानी उदाहरण इस पवित्र भंडार से मिल सकते हैं। मेरे विचार में इन सब दृष्टांतों से यही सिद्ध होता है कि तुलसीदास एक जानपूर्वक स्त्री जाति के निंदक नहीं थे, एक जानपूर्वक तो वो स्त्री जाति के पुजारी ही थे। यह तो स्त्रियों की बात हुई, परंतु बाली वधादि के बारे में भी दो मतों की गुंजाइश है। विभीषण में तो कोई दोष मैं नहीं पाता हूँ। विभीषण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह यानी सच्चाई के लिए प्रार्थना किया था। विभीषण का यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि अपने देश या अपने शासक के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है या कलंकित करना है। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा देश के दोषों का विरोध करना सच्ची देशभक्ति है। विभीषण ने राम जी की सहायता करके देश का भला ही किया था। सीता जी के प्रति रामचंद्र जी के बर्ताव में निर्दयता नहीं थी, उसमें राजधर्म के प्रति प्रेम का द्वंद्व युद्ध था, यानी दो व्यक्तियों में लड़ाई थी। जिनके दिल में किसी संबंध की शंकाएँ शुद्ध भाव से उठे, उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यंत्रवत स्वीकार ना करें। जिस विषय में हृदय संकित है उसे छोड़ दें। सत्य अहिंसा विरोधी किसी वस्तु को स्वीकार ना करें। रामचंद्र ने छल किया था, इसलिए हम भी छल करें यह सोचना औधा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रख कर कि रामादि कभी छल नहीं कर सकते, हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें और पूर्ण ग्रंथ का पाठन करें, यानी पूरे ग्रंथ को पढ़ें। परंतु सर्वारम भाई दोषण धूमाग्नि रिवाविता न्यायानुसार सब ग्रंथ दोषपूर्ण है। यह समझकर हंसवत दोष रूपी नीर को निकाल फेंके और गुण रूपी सिरा क्षणाक्षणी ग्रहण करें। इस तरह अपूर्ण अव में संपूर्ण की प्रतिष्ठा करना, गुण दोष का पृथककरण करना हमेशा व्यक्तियों और गुणों की परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। स्वतंत्र संपूर्णता ईश्वर में ही है और वह अकथनीय है। बच्चों आप लोग नेक्स्ट पेज देखिए, इधर आप लोग देखिए, ये लिखित अभिव्यक्ति, इसमें क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। तो फर्स्ट क्या है, लेखक सर्वोत्तम ग्रंथ किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं वो रामायण को। मित्र लेखक को किसका अधिकार नहीं देते हैं, काव्य परीक्षा का। और थर्ड क्या है, तुलसीदास भक्त शिरोमणि होने के साथ साथ क्या थे, तो क्या थे, समाज सुधारक थे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। तुलसीदास जी ने स्त्री जात की घोर निंदा की है, ये आपका क्या है, सही है। अधिकांश पाठकों पर ग्रंथ विशेष का क्या असर हुआ, यह देखकर ही ग्रंथ की आंतरिक परीक्षा की जाती है, ये भी आपका सही है। और थर्ड, परंतु उसी ग्रंथ से हमें सीता जी के पुनीत चरित्र का भी परिचय मिलता है, ये भी आपका सही हुआ। स्वतंत्र संपूर्णता ईश्वर में नहीं है और वह कथनी है, ये आपका रॉन्ग हुआ यानी गलत। अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है, चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के लिए क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका आंसर है कि चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के लिए अपने चित्र को
प्रदर्शनी में रखा और उसके नीचे इस तरह लिखा, इस चित्र में जिसको जिस जगह दोष प्रतीत हो वह उस जगह कलम से चिन्ह लगा दें। इसका परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग प्रत्यंग दोषपूर्ण बताए गए, मगर वस्तु स्थिति यह थी कि चित्र अत्यंत कलायुक्त था। सेकंड क्या है, रामचरितमानस से जनता को क्या लाभ हुए हैं? तो रामचरितमानस से लाखों लोगों को शांति मिली है। जो लोग ईश्वर से विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख हैं और आज भी जा रहे हैं। थर्ड, किसी संबंध में शंकाएँ शुद्ध भाव से उठे तो गांधी जी ने उसके लिए हमें क्या करने को कहा है? तो किसी संबंध में शंकाएँ शुद्ध भाव से उठे तो उनके लिए गांधी जी ने कहा है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यंत्रवत स्वीकार ना करें। जिस विषय में हृदय शंकित है उसे छोड़ दें। सत्य अहिंसा विरोधी किसी वस्तु को स्वीकार ना करें। अब देखिए इधर आप लोग, भाषा की बात, कोई भी योजक चिन्ह से जुड़े दो शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में जैसे बीच में ये चिन्ह लगाया है तो ये चिन्ह आपका किसका होता है? योजक चिन्ह का होता है। कई और ये जो आपके शब्द युग्म है ये कई प्रकार के होते हैं। अध्याय से शब्द युग्म छांट कर लिखिए तथा उसके प्रकार भी लिखना है। तो ये देखिए आपके, मैंने बुक से कुछ छांटा है इसमें शब्द युग्म। बाली वध स्त्री जाति कौन सा कार्य चतुर काव्य परीक्षा एक एक अंग प्रत्यंग अनुभव जन्म। अब ये देखिए संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? दो व्यंजनों का परस्पर मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन कैसे होता है? आधा होता है और जो दूसरा होता है वो आपका पूरा होता है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के दो दो हमें शब्द लिखना है। देखिए जैसे इसमें क्या लिखा, निंदा। निंदा में क्या है, ये देखिए पहला शब्द आधा है और इसमें जुड़ गया तो ये वाला पूरा हो गया। जैसे निंदा है और रहस्य और भक्त बना हुआ, उसी तरह हमें तीन दो दो शब्द बनाना है। तो इसका कंदमूल हो जाएगा और मंद हो जाएगा। रहस्य मेले में इसमें मत्स्य हो जाएगा और काश हो जाएगा। भक्त में भक्त हो जाएगा और रक्त हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। टीका का बहुवचन क्या हो जाएगा? टीकाएँ। प्रदर्शनी का प्रदर्शनियाँ। शंका का शंकाएँ। अहिंसा का अहिंसाएँ। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठाएँ। परिस्थिति का परिस्थितियाँ। देखिए ये आप लोगों को अपने से करना है कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किन किन विषयों पर शिक्षाएं दी हैं, इसके बारे में आपको क्लास में क्या करना है? डिस्कशन करना है। और पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर से भक्त कवियों के चित्र काटकर नीचे दिए गए स्थानों में यहाँ पे आपको लगाना है तथा उनके नाम और ये किन के भक्त थे ये लिखना है। ये देखिए आप अपना लास्ट पेज देखिए, ये आपके भक्त कवि हैं, सूरदास तुलसीदास कबीरदास, इनके आप यहाँ पे नाम लिखकर ये किसके भक्त हैं ये लिखाइएगा लिखिएगा। थैंक